हाय गाइस वेलकम। तो आज एक खबर आई है हमारे पड़ोसी से, ना पाकिस्तान से नहीं, चाइना से। पाकिस्तान का देखो, बड़े खुश हो जाते हो तुम लोग हैं क्या। आज हम बात कर रहे हैं चाइना की, जिसने हाल ही में एक टेस्ट पूरा किया है, टेस्ट रन पूरा किया है। किसका? हाइपरलूप का। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में भी आएगी, ऐसे सपने थे। ऑल दो रेलवेज भी अभी इंडिया में थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी। मैंने कुछ समय पहले इस पे एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इस पे काफी आगे निकल रहा है। देखो, ये क्वेश्चन अलग बात है कि क्या इंडिया को इसकी जरूरत है। चाइना फिर से शायद फोकट में ये काम कर रहा है, जो थोड़ा बहुत समझ से देखो तो लगता भी है कि हाँ, शायद सही भी है, क्योंकि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क भी तैयार किया था। लेकिन क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं लॉस में ही रहता है। यानी जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने फायदे में वो नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक चीज ये है कि चाइना ने दुनिया में सबसे तेज इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और उसको तैयार किया है ना। और ये सेम चीज शायद वो हाइपरलूप के साथ भी करेगा। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर दुनिया के सबसे पहले देश जो हाइपरलूप शुरू करेंगे उनमें चाइना का भी नाम हो तो। हाइपरलूप क्या है? बहुत बारी मैंने वीडियोस में बताया है कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें वैक्यूम सील ट्यूब्स के अंदर से कुछ पॉड्स मैग्नेटिकली हवा में लेविटेट करती हुई चलती हैं, जिससे वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड पकड़ सकती हैं। लेकिन इस टॉपिक को यहाँ पे उठाने की जरूरत क्या थी? अगर चाइना ने टेस्ट रन किया है तो ठीक है। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि इंडिया में अभी एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन, और उससे रिलेटेड भी सेम टाइम पे एक न्यूज आई है कि बुलेट ट्रेन का ओवरऑल 30% काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। कब से इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में सुनते आ रहे हो आप? 2009-10 के रेलवे बजट में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कितने साल हो गए? आज 13। और काम कितना कंप्लीट हुआ है? 30%। ये वीडियो मैंने एक्चुअली ना ही ये बताने के लिए बनाया है कि चाइना हाइपरलूप चला रहा है, ना ही ये बताने के लिए कि बुलेट ट्रेन का काम 30% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ये फर्क दिखाने के लिए बनाया है कि 2009 में जब हमने इस फिजिबिलिटी स्टडी के लिए बुलेट ट्रेन को चुना था, उसी समय चाइना की पहली क्रॉस रीजनल हाई स्पीड रेल लाइन बनी थी। चाइना ने उस समय से 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेटवर्क उसका बना दिया। हम 500 किलोमीटर में भी अभी तक सिर्फ 30% ही काम कर पाए हैं। खैर, चाइना जितने नेटवर्क बनाने की जरूरत हमें खुद भी नहीं है, क्योंकि हमें खुद भी पता है कि उतने बड़े नेटवर्क कुछ प्रॉफिट में रहेगा भी या नहीं, उसका भी डाउट है। लेकिन जिस रूट को पहली बार चुना गया था, उसमें एटलीस्ट शायद काम वैसे नहीं हुआ जैसे हो सकता था, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, मुझे ऐसा लगता है। खैर, सिर्फ मुझे लगने से नहीं होता, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मैंने किसी कंट्री को टारगेट नहीं किया, शायद सबकी कुछ ना कुछ खुद की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन आपको फिर भी क्या लगता है, क्या बुलेट ट्रेन का काम लिटरली इंडिया में ज्यादा लेट नहीं हुआ? हाइपरलूप तो खैर अब हम मांग भी नहीं रहे, बताइएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। एक घंटे में मिलना, बताऊंगा कैसे बांग्लादेश से एक अपडेट आई है, फाइनली एक अच्छी अपडेट इंडिया के लिए। जय हिंद।